नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन में फॉरगॉट पासवर्ड की फंक्शनैलिटी को ऐड करेंगे। ऑलमोस्ट सारी फंक्शनैलिटी हमारे एप्लीकेशन में अचीव हो चुकी है, और कुछ भी बचता है तो आगे हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तो सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, यूज़र के पासवर्ड के ऊपर काम करना है। इनकेस अगर यूज़र उसका पासवर्ड भूल जाता है तो फिर उसको कैसे मैनेज करेंगे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक न्यू फॉरगॉट पासवर्ड राउट बना सकते हैं और एक फंक्शन बना लेंगे जिसकी मदद से यूज़र अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकता है। और मैं यहाँ पे जो है ना ओटीपी बेस्ड फॉरगॉट पासवर्ड के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन सेंडग्रिड बराबर से काम नहीं कर रहा है, न्यू अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा है, और अगर क्रिएट हो रहा है तो वहाँ पे हमको फ्री टीयर वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है, यानी थोड़ा सा उसके सीक्रेट की में इश्यू आ रहा है, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है। अगर वो फिक्स हो जाता है तो मैं लेटर इसके बाद में इसको कन्वर्ट करके कोड अपडेट कर दूंगा, लेकिन फिलहाल हम जो है नॉर्मल यूज करके देख लेंगे, क्योंकि सेंडग्रिड तो काम नहीं कर रहा है, और अगर मैं डायरेक्ट नोड मेलर यूज करूंगा ना, फिशिंग अटैक्स उस पर बहुत होते हैं साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से, फिर डायरेक्ट नोड मेलर सही नहीं है। उसके साथ में कोई ना कोई आपको जो है थर्ड पार्टी पैकेज यूज करना पड़ेगा ताकि आप उसको सिक्योर कर पाए। डायरेक्ट नोड मेलर यूज करेंगे तो देखिए सीखने के लिए ठीक है, लेकिन कंपनीज में भी डायरेक्ट नोड मेलर यूज नहीं होता है। उसके साथ में देखिए सेंडग्रिड, मेलचिंप या फिर एटसेट्रा जो भी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स होते हैं ना, उसका यूज किया जाता है, क्योंकि हेडेक हो जाता है ना वो, क्योंकि डायरेक्ट जीमेल आपको पता है इजीली वल्नरेबल हो जाता है। तो अवॉइड करें डायरेक्ट नोड मेलर यूज करने से, अच्छा आप क्या कर सकते हैं, सेंडग्रिड का यूज कर सकते हैं, मेलचिम का यूज कर सकते हैं, या फिर जो भी आप गूगल करें, गूगल पे काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। मैं तो फ्री वाला ही ट्राई करता हूँ ताकि हर कोई उसको यूज कर पाए। तो सेंडग्रिड तो काम नहीं कर रहा है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा और एप्लीकेशन में चेंजेस कर लेता हूँ। जैसे कि देखिए यूजर मॉडल में ओपन करता हूँ मॉडल्स का फोल्डर, इसके अंदर हमारे पास है यूजर मॉडल, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी फंक्शनैलिटी है। तो रीसेट के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है आंसर कर देता हूँ, उसका नाम आंसर, और न्यू ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। सो रोल से पहले एक न्यू ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया, इसका टाइप रखेंगे हम स्ट्रिंग, और टाइप लिखना है पहले शुरू टाइप, और इसको कर देंगे स्ट्रिंग, और रिक्वायर इसको भी हम क्या करेंगे ट्रू कर देंगे। मस्ट है जब भी न्यू यूजर क्रिएट होगा ना, अभी जो प्रीवियस यूजर है उसमें तो हमारे पास आंसर नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे एक न्यू यूजर क्रिएट कर लेंगे और उसके पासवर्ड को फिर रीसेट करने का ट्राई करेंगे, और यहाँ पर वैलिडेशन मैसेज भी ऐड कर देंगे, जैसे कि आंसर इज रिक्वायर्ड। सेव कर लेते हैं इसको। तो मॉडल में हमने क्या किया, एक आंसर का न्यू ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐड कर दिया। इसके बेस पे हम क्या करेंगे, पासवर्ड को रीसेट करेंगे। अगर इन फ्यूचर सेंडग्रिड प्रॉपरली काम करता है, यानी फ्री टीयर भी उसका अगर सही से काम करता है, तो हम क्या करेंगे इसको ओटीपी से रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल तो काम नहीं कर रहा जब तक कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, इनकेस अगर सही से काम कर जाता है तो फिर हम क्या करेंगे इस कोड को अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसको बना दिया, तो इसके बेस पे हम क्या करते हैं, पहले शुरू जो है ना एक न्यू यूजर क्रिएट कर लेंगे ताकि हमको पता चले कि हमारे पास एक आंसर है। अभी डेटाबेस में देख सकते हैं आप, कोई भी हमारे पास यहाँ पर आंसर की फील्ड नहीं है, और प्रोफाइल पिक भी नहीं आएगा ना, तो कोई बात नहीं, प्रोफाइल की भी इतनी ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ पासवर्ड रीसेट देख रहे हैं ना, तो इतना काफ़ी है। चलिए मैं क्या करता हूँ, सर्वर को रन कर देता हूँ। पहले शुरू सर्वर डायरेक्टरी के अंदर स्विच हो जाएंगे, cd सर्वर, फिर npm रन सर्वर, इतना लिख के एंटर प्रेस करिए। तो यहाँ पर हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं, और MongoDB डेटाबेस से भी ये कनेक्ट हो चुका है। चलते वापस पोस्टमैन में, और यहाँ पर हमारे पास थी देखिए API रजिस्टर के लिए, और बॉडी पे चलते हैं, और यहाँ पर देखिए ऑलरेडी अपने पास एक डेटा है, और ये डेटा वही सेम डेटा है जो हमने फर्स्ट टाइम पे यूजर क्रिएट किया था ना, वही डेटा है। सो पोस्टमैन थोड़ा सा कैचे बना के रखता है, और अगर आपने जो है यहाँ पर फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो किया होगा, मेरे केस में देखिए यहाँ पर लॉगिन नहीं है क्योंकि मैं सिस्टम चेंज करते रहता हूँ ना, तो उसमें दिक्कत होती है। फिर अगर आपके पास यहाँ पे आप लॉगिन है या फिर इसका ओल्डर वर्जन भी रहा ना, तो वहाँ पे आपको फोल्डर स्ट्रक्चर बनाने का ऑप्शन देता है। अगर आप मेरी पोस्टमैन की सीरीज या फिर कोई भी प्रीवियस प्रोजेक्ट देख लेंगे ना, तो उसमें सेम मैंने बताया हुआ है, लेकिन अभी अपडेटेड वर्जन था इसमें, सो उसमें मैं कर नहीं पाया। अगर आपके केस में शो करता है तो आप बनाइए या फिर लॉगिन कर सकते हैं, अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। तो देखिए ये प्रीवियस वाला है, तो इसको हम क्या करेंगे चेंज कर देंगे, यूजर के बदले कर देता हूँ मैं इसको एडमिन, और इसको TAT के बदले कर देंगे a@a.com कर देंगे। पासवर्ड सेम रखता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, सिटी सेम, समवेयर बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे एक एडिशनल फील्ड हम ऐड कर देंगे आंसर, और आंसर में हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें देखिए डिपेंड करता है कि आप क्या क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले फ्रंट एंड पे। जैसे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने देखा होगा व्हाट इज योर बर्थ प्लेस, चाइल्डहुड फ्रेंड या फिर फेवरेट डिश एटसेट्रा, तो आप कुछ भी क्वेश्चन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, योर फेवरेट स्पोर्टमैन ऐसा कुछ कर देते हैं, या फिर बेस्ट फ्रेंड कर देते हैं हमारे केस में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ उसको कर देता हूँ यूट्यूब, यूट्यूब इज आवर बेस्ट फ्रेंड,
फिलहाल के लिए मैंने इसमें ऐड किया, आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ और इसमें एरर है, आंसर इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर आंसर ठीक है, लेकिन हमको कंट्रोलर के अंदर भी इसको पास कराना पड़ेगा। सो यूजर कंट्रोलर को ओपन करिए और क्रिएट हमने कहाँ पे किया था, टॉप पे किया था ना, देखिए रजिस्टर है। सो इसमें हम क्या करेंगे, एक और वैलिडेशन भी ऐड कर देंगे साथ ही में। आई होप आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं इसको और इसको भी थोड़ा सा मिनिमाइज कर देंगे। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से हम क्या करेंगे, आंसर को भी गेट करेंगे। सो आंसर और उसका एक वैलिडेशन और की कंडीशन आंसर, अगर आंसर भी नहीं मिलता है तब भी हमको सेम मैसेज यहाँ पर शो करेंगे, प्लीज प्रोवाइड ऑल फील्ड्स। उसके बाद में देखिए यहाँ पर फाइंड करेगा अगर एग्जिस्टिंग यूजर, ओ ये तो सब मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, सो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे आपको क्या करना है, एज अ रिस्पॉन्स जहाँ पर ये क्रिएट हो रहा है ना उसमें आंसर को भी पास करा देना है। तो यहाँ पे हम आंसर को भी पास करा देंगे, सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस पोस्टमैन टूल में और यहाँ पर क्या करता हूँ, फिर से सेंड पर क्लिक करता हूँ और इसमें देखिए अगेन कोई एरर है, चेक कर लेते हैं क्या बता रहा है टर्मिनल पे, 500 एरर बता रहा है। तो कुछ और भूल गए क्या हम इसमें, नेम, ईमेल, पासवर्ड, सिटी, एड्रेस, कंट्री, फोन, क्या चीज़ है इसमें, चेक कर लेते हैं क्या बोल रहे हैं। अच्छा ये नॉट आंसर है ना, हमने डायरेक्ट आंसर इसमें पास करा दिया, सेव कर लेते हैं इसको। ठीक है, काफ़ी सारे एरर्स हो रहे हैं, आई होप अभी तो आपको समझ में आ गया होगा। नॉट आंसर, अगर इसमें आंसर नहीं मिलता है तभी जो है हमको ये चीज़ प्रोवाइड करना है, हम नॉट लगाना भूल गए थे करके वो एरर हमको शो कर रहा था। चलते वापस पोस्टमैन में, सेंड पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर सक्सेस थ्रू रजिस्ट्रेशन सक्सेस, प्लीज लॉग इन। इसको चेक कर लेते हैं डेटाबेस में, अभी फिलहाल एक ही यूजर है, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर बराबर से अपने पास आंसर भी आ रहा है, देख सकते हैं। सेकेंड यूजर है एडमिन, फिर उसका ईमेल और पासवर्ड तो हैश है और बाकी सारी चीजें तो एज इट इज सेम हमने यूज की हुई है। अब हम क्या करेंगे, फॉरगॉट पासवर्ड पर काम करेंगे। सो यूजर लॉगआउट के अंदर मैं क्या करता हूँ, नीचे जो है ना यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, कमेंट बना लेंगे पहले शुरू, फॉरगॉट पासवर्ड, और उसके लिए हम क्या करेंगे एक और न्यू राउट बना लेंगे। सो यहाँ पे आप लिखें राउटर डॉट पोस्ट, पोस्ट क्यों करेंगे हम, क्योंकि हमको डेटा यहाँ पर सेंड कराना है। और इसको हम कर देंगे रीसेट पासवर्ड कर लेंगे, इसको ज़्यादा बेटर नाम रहेगा, रीसेट पासवर्ड। उसके बाद में इस और तो आई डोंट थिंक ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे यहाँ पर एक न्यू कंट्रोलर बना देंगे। सो यूज़र कंट्रोलर के अंदर नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू कमेंट बना लेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉरगॉट पासवर्ड एक्सपोर्ट कॉन्स्ट पासवर्ड रीसेट कंट्रोलर इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन, एम्प्टी एरो फंक्शन बना के छोड़ देंगे और यहाँ पर ब्रैकेट्स हो गया, ये है कर्ली ब्रेसेस, सेव कर लेते हैं इसको। और इस कंट्रोलर को हम क्या करेंगे, यूजर राउट में इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पासवर्ड रीसेट कंट्रोलर, देखिए सजेशन शो करेगा, इस पर क्लिक करिए ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो जाएगा, सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा राउट बन चुका है, अब हमको कंट्रोलर फंक्शन पे काम करना है। तो इस कंट्रोलर फंक्शन में हम क्या करेंगे, इसको एसिंक कर लेंगे, कॉल बैक फंक्शन है इसीलिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी हम रिसीव करते हैं। उसके बाद में ट्राई कैच ब्लॉक, कैच के अंदर आपको एरर एज इट इज ऊपर का कॉपी पेस्ट कर लेना है, थोड़ा सा टाइम बचेगा, सेम है, बस आपको यहाँ पर एरर मैसेज चेंज कर देना है, एरर इन पासवर्ड रीसेट एपीआई। अब ठीक है, ट्राई में हम क्या करेंगे, यूजर से जो है ना कुछ चीजें गेट करेंगे, जैसे कि देखिए यूजर क्या करेगा, ईमेल पास कराएगा और क्या कर सकते हैं हम, न्यू पासवर्ड गेट कर सकते हैं, साथ ही में हमको क्या चाहिए यहाँ पे आंसर भी चाहिए। सो ये तीनों चीजों को हमको गेट करना है, कैसे करेंगे, कॉन्स डिस्ट्रक्चर कहाँ से, फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से हम क्या करेंगे पहले शुरू ईमेल को गेट करेंगे, उसके बाद में फिर हमको चाहिए न्यू पासवर्ड और फिर हमको चाहिए आंसर। तो ये तीनों चीजें हमको चाहिए, इसके बेस पे ही हम कर सकते हैं यहाँ पर पासवर्ड को रीसेट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैलिडेशन भी परफॉर्म कर लेंगे, इफ नॉट ईमेल, अगर हमको ईमेल प्रोवाइड नहीं करता है, या फिर हम क्या करेंगे नॉट न्यू पासवर्ड, अगर न्यू पासवर्ड भी प्रोवाइड नहीं करता है तब क्या करो, एक और कंडीशन चेक कर लो पहले, आंसर भी अगर हमको नहीं मिलता है तब क्या करो, यहीं से इसको रिटर्न कर दो। सो आप लिखेंगे रिटर्न, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ उसको, रिटर्न रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 404, फिर उसके बाद में स्टैंड 404 तो नहीं करेंगे हम, इसको 500 कर लेता हूँ, इंटरनल सर्वर एरर, और सेंड में हम क्या करेंगे यहाँ पे सक्सेस कर देंगे फॉल्स। उसके बाद में मैसेज आपको यहाँ पर ऐड कर देना है, जैसे कि प्लीज प्रोवाइड ऑल फील्ड्स, तो ये मैसेज हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद में हमको क्या करना है, फाइंड करना है यूजर को, कैसे फाइंड करेंगे यूजर को,
उसके ईमेल के बेस पे हम उसको फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्ट, उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे यूजर। फिर हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे, हमारे पास है यूजर मॉडल। फिर यहाँ पे हम फाइंड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, फाइंड वन, और इसमें हम क्या करेंगे ईमेल के बेस पे इसको फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद में इसका भी वैलिडेशन हम परफॉर्म कर लेंगे, जैसे कि इफ नॉट यूजर, सो अगर ये यूजर नहीं है तो यहीं से इसको रिटर्न कर दो, ये है रिटर्न। फिर रिस्पॉन्स भी सेंड कर देंगे, रेस डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 404, दैट मीन्स नॉट फाउंड, सो ये मैसेज हम ऐड कर देंगे। सेंड में आपको क्या करना है, सक्सेस को कर देना है फॉल्स। उसके बाद में हम क्या करेंगे, मैसेज भी ऐड कर देंगे, जैसे कि यूजर नॉट फाउंड, यूजर नॉट फाउंड का एक मैसेज हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है आंसर को, तो फाइंड आंसर, सो कॉन्स, और इसको हम क्या करेंगे सिक्योरिटी कर देते हैं, या फिर डायरेक्ट हम अवेट करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मैं चेक कर लेता हूँ, अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन, और इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पर फाइंड करेंगे आंसर को। सो डायरेक्ट की वैल्यू पेयर सेम है, तो आप एक ही बार इसमें लिख सकते हैं। अगर हमको आंसर भी सही से मिल जाता है तब हम क्या करेंगे रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200, उसके बाद में फिर सेंड फंक्शन। सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, सॉरी ये है सेंड फंक्शन, और इससे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर डबल से यूजर को सेव कराना है। तो कैसे कराएंगे, बहुत सिंपल है, हमारे पास जो यूजर है ना उसको हम टारगेट कर लेंगे, यूजर डॉट पासवर्ड, यूजर का जो भी पासवर्ड है उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर जो भी न्यू पासवर्ड है ना उससे रिप्लेस कर लेंगे। और मैं क्या करता हूँ आंसर भी जो है ना इसी के अंदर फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, कंडीशन एक्स्ट्रा हो रही है ना, सो फाइंड वन बेस ऑन ईमेल एंड आंसर, इसके बेस पे हम फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा जो है ना इसको रिमूव कर सकते हैं, एक ही कंडीशन में दोनों चेक हो रहा है, ईमेल और आंसर। और इस वैलिडेशन मैसेज में हम क्या करेंगे, इस एरर मैसेज में हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं यूजर, और इनवैलिड कर देते हैं इसको। ठीक है, इनवैलिड यूजर और आंसर, ये मैसेज हम ऐसा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, पासवर्ड को चेंज कर रहे हैं, यूजर देखिए ये जो यूजर है इसके अंदर जो पासवर्ड है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं न्यू पासवर्ड से। अब यहाँ पर न्यू पासवर्ड है लेकिन पासवर्ड को हैश भी कराना है, तो हैश के लिए हमने क्या किया था, डायरेक्ट प्री पे अप्लाई किया था ना, देखिए प्री सेव से पहले यहाँ पर ये अप्लाई हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट इसको सेव करा सकते हैं। तो मैं अवेट कर लेता हूँ, और अवेट किस चीज़ का करेंगे, हम हमारे पास जो यूजर है ना इसको वापस से हम सेव करा देंगे। सो यूजर डॉट सेव फंक्शन, इसको आपको कॉल कर देना है। इसके बाद में रिस्पॉन्स देखिए, रेस डॉट स्टेटस 200, उसके अंदर सेंड, सक्सेस यहाँ पे हम कर देंगे ट्रू। उसके बाद में मैसेज यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे कि योर पासवर्ड हैज बीन रीसेट, प्लीज लॉग इन, इस तरीके से मैसेज ऐड कर देता हूँ। सेव कर लेते हैं इसको, सेव करने के बाद देखिए अभी कोई भी एरर नहीं, और सर्वर हमारा परफेक्टली यहाँ पर काम कर रहा है, देख सकते हैं आप। अब इसको टेस्ट करके एक बार देख लेंगे, इनकेस जो भी एरर आता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलते वापस पोस्टमैन में, न्यू टैब बना लेता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक यूजर को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक रजिस्टर वाला एज इट इज मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे। मेथड टाइप अपना पोस्ट है, उसके बाद में बॉडी, रॉ डेटा, उसके बाद में यहाँ पर जेसन, और मैं क्या करता हूँ यहीं से जो है ना ईमेल को कॉपी कर लेता हूँ, या फिर पूरा कॉपी कर लेता हूँ कॉपी, और या फिर एम्प्टी रिक्वेस्ट हम यहाँ पर सेंड करके देख लेते हैं, वैलिडेशन भी हमारा यहाँ पर सक्सेसफुली डीबग हो जाएगा। सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए प्लीज प्रोवाइड ऑल फील्ड, अब यहाँ पर वन बाय वन सभी चीज़ों को मैं ऐड करता हूँ, जैसे कि सिर्फ ईमेल ऐड करके देख लेता हूँ, और आंसर इसमें ऐड नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, कट कर लेते हैं इसको, सेंड पर क्लिक करता हूँ, अच्छा यहाँ पर एरर शो करेगा, ये डॉट को रिमूव कर लीजिए। अब मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए सेम प्लीज प्रोवाइड ऑल फील्ड, उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर वापस से अंडू कर देंगे आंसर तक। ठीक है, आंसर भी हमने इसमें प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर न्यू पासवर्ड को ऐड करना है, तो उसको आप कोटेशन में ऐड कर दें, न्यू पासवर्ड, और न्यू पासवर्ड में आप कोई भी पासवर्ड ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमारे केस में क्या है, पासवर्ड कितना लिखा था हमने, 1 to 8 तक के लिखा था, तो हम क्या कर लेंगे इसको चेंज कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, अब मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ, अच्छा स्टिल हमारे पास एरर है, यहाँ पर न्यू पासवर्ड का इशू होगा, एक बार देख लेते हैं रजिस्टर। अच्छा हाँ, एपीआई तो हमने चेंज ही नहीं किया ना, रजिस्टर के बदले हमारे पास था रीसेट डैश पासवर्ड, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। चलते हैं राउट के अंदर, ये रहा राउट,
और हमने यहाँ पे लिखा था रीसेट पासवर्ड, यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ उसको और यहाँ पर फिर से पेस्ट कर लेते हैं। डबल स्लैश हो गया, एक स्लैश को रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पर मैं पासवर्ड को रिमूव कर लेता हूँ, या फिर ठीक है वैलिडेशन तो सेम काम करेगा। सेंड पर क्लिक करते हैं तो देखिए योर पासवर्ड हैज़ बिन रीसेट, सक्सेसफुली ये काम कर रहा है। अब मैं फिर से यहाँ पर लॉगिन का ट्राई कर लेता हूँ, फिर से क्या हमने लॉगिन इसका ट्राई ही नहीं किया ना, तो TAT.com था ना, इसको हम कर लेंगे AAT.com और उसके बाद में पासवर्ड यहाँ पर 8 मैं ट्राई करता हूँ, 8 तक के सेंड करेंगे तो देखिए इनवैलिड क्रीडेंशियल, ये बराबर से काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर 9 ऐड कर देता हूँ और सेंड पर क्लिक करूंगा तो देखिए सक्सेसफुली हम लॉग इन इसमें हो चुके हैं। तो परफेक्टली हमारे पास फॉरगॉट पासवर्ड की फंक्शनैलिटी बन चुकी है। हमारे पास देखिए यहाँ पर कोई OTP बेस्ड सर्विस नहीं है, अभी वो SendGrid बराबर से काम नहीं कर रहा था इसीलिए मैंने SendGrid का यूज़ नहीं किया। फ्री में तो उसका ही सबसे अच्छा है, बाकी आप जो है डायरेक्ट NodeMailer का यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो सिक्योरिटी के साथ में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता है इसमें, इसीलिए आप डायरेक्ट NodeMailer का यूज़ मत करिए, उसके साथ में फिर कोई और एक थर्ड पार्टी पैकेज आप ज़रूर यूज़ करिए। तो हमने क्या किया यहाँ पर क्वेश्चन के बेस पे, यानी कोई भी क्वेश्चन के बेस पे जो है यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड की फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकते हैं। जैसे कि आपने मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया या फिर ईमेल बेस्ड सर्विस में देखा होगा, उसमें जो है 2-3 सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है, तो उसके बेस पे भी आप जो है पासवर्ड को इन केस अगर आप भूल जाते हैं तो रीसेट कर सकते हैं। तो हमने भी सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई की एक क्वेश्चन के बेस पे, इसका हमने आंसर के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया मॉडल के अंदर। फिर से बता देता हूँ, हमने देखिए यहाँ पर एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया आंसर के नाम से, जिसका टाइप स्ट्रिंग था और ये रिक्वायर था। तो जब भी न्यू यूजर क्रिएट होगा ना, प्रीवियस वाले में नहीं था क्योंकि हमारे पास प्रीवियस वाला हमने बिना आंसर के ट्राई किया था, फॉरगॉट पासवर्ड अभी हमने ऐड किया ना, तो उसके लिए न्यू ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर बना के रखा है। तो अब जब भी न्यू यूजर क्रिएट होगा तो मस्ट है आंसर हमको प्रोवाइड करना है, प्रीवियस वाले में नहीं था तो कोई बात नहीं, इसमें तो हमारी सारी फंक्शनैलिटी अचीव हो गई और ठीक है यहाँ तक की एप्लीकेशन हमारी ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, फर्दर हमारे फ्रंट एंड पे काम कर सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। और भी कुछ अगर ऐड करना है तो आप नीचे कमेंट जरूर करें।